शांति। चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। आपके कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, आपके कितने बोल व्यर्थ जाते हैं और आप कितना शक्तियों का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं, ये जरूर चेक करें। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। माना इकोनॉमी का बजट, माना सेटिंग कि कितने संकल्प हमको चलाने हैं और कैसे चलाने हैं, बोलों पर कितना ध्यान देना है, कर्मों पर कितना ध्यान देना है। आपके कर्म आपको वैल्यूबल बनाते हैं। अगर आपके कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपका अपने संकल्पों पर ही नियंत्रण नहीं है तो फिर वैल्यूबल कैसे बनेंगे। और वो संकल्प जो आप अच्छे चलाएंगे उससे ही तो श्रेष्ठ आत्मा कहलाए जाएंगे। और जितना संकल्पों को आप बचाएंगे तो जितना कम संकल्पों को आप इस्तेमाल करेंगे और श्रेष्ठ, तो हमेशा सफलता को पाएंगे। और जितना कम बोलों में आएंगे उतना वैल्यूबल बनेंगे। अगर टू मच अननेसेसरी बोलते जाते हो तो सही समय पर आप खाली हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता होगा कि कब कहां क्या बोलना चाहिए। ये भी तो अपने आप में एक कला होती है ना, कब कहां कैसे कितना और क्या बोलना है, जिसके आधार पर आपकी वैल्यू होती है। कोई कराता नहीं है, ये कर्म सारे आप खुद करते हो। कोई कहता है ये तो मेरी वैल्यू नहीं करता, क्यों नहीं करता। आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म ये निर्धारित करते हैं कि आप क्या हैं। और अगर आप इसकी इकोनॉमी नहीं करते हैं, इसका बजट नहीं बनाते हैं, तो ये जरूर व्यर्थ में जाते होंगे। तो आपके पास तो स्टॉक ही नहीं है। तो जब आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आपको सफलता कहां से मिलेगी। संकल्पों की भाषा बहुत बहुत गुहे है जिसके आधार पर सत्युग चलना है। और बोल जो आज आप बहुत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उस पर भी नियंत्रण आ जाता है, मन का बोल, मुख का बोल, तो आप जो बोलेंगे वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए कम शब्द सत्य सिद्ध हो जाते हैं। आपके कर्म जिससे आप ये दिखाई देते हो कि आप हो क्या। अगर आप चाहते हो कि हर कोई मेरा रिगार्ड करे, हर कोई मुझे पूछे, तो आप अपने कर्मों से करके दिखाइए। अगर आपको कोई मान सम्मान नहीं दे पा रहा है तो आपके कर्म उसको मान सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। उससे वो आपके कर्म है, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्यों नहीं है आपका अपने ऊपर ध्यान। तो संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों बातों की अगर अच्छे से चेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कहां खर्च किया हमने। ऐसे ही होता है, अब हर महीने का एक बजट बनता है कि हर महीने आपको इतना इतना खर्च करना है। और अगर एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो वो देखते हैं कि कहां खर्चा हुआ है, तो उसको लगा देते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो इस बार की इनकम में ये कटेगा। जैसे कईयों ने इंश्योरेंस रखी होती है, उनको मालूम होता है कि इस महीने इंश्योरेंस के देनी है पेमेंट, तो उनको मालूम होता है इतनी सैलरी आती है, इसमें से ये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो अब आप देखिए, आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म, ये आपका खजाना है। अगर आप यूं ही व्यर्थ गवाते रहेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो उसे कहते हैं महीन पुरुषार्थी, जो इस तरह की चेकिंग करते हैं। तो उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाते। माना ज्ञान की शक्तियां, ज्ञान की शक्तियां समझते हो, माना सटीक ज्ञान, सही समय पर सही जगह इस्तेमाल, से ज्ञान की शक्तियां कहा जाता है। जो अपना समर्पण दिल का करते हैं, मन से समर्पित हो जाते हैं, बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, तो उनके खजाने हमेशा सफल होते हैं, इकोनॉमी बनी रहती है। वो सोचते भी उतना ही है जितना उन्हें सोचना चाहिए, और वो वही सोचेंगे जिसको उन्हें करना है। व्यर्थ का वो सोचे ही क्यों, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता चाहिए ही नहीं।
ये उनके जीवन से दिखाई देता है। तो किस तरह से कैसे करके ये सब चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे नहीं तो बनोगे कहां से। तो आप वरदान पे जरूर सोचना कि क्या सारे खजानों की इकोनॉमी या बजट बनाकर आप रहते हो, आप इतना महीन पुरुषार्थ करते हो। जब दिखाई दे कि अपने घर में बचत करनी जरूरी है और कैलकुलेशन करनी जरूरी है, कहीं वेस्टेज ना हो जाए, कुछ सेव नहीं हो रहा है, तो अगर बजट नहीं बनाया जाता है तो फिर नुकसान ही होता है, और अगर बजट बना लिया जाता है तो फायदा ही होता है। तो चाहे उस धन की बात हो या हमारा जो विशेष ब्राह्मणों का धन है, वो है संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। ओम शांति।